मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ केनिया देश की अफ्रीका नगरी, इसमें नैरोबी नगरी में तत्वार सूत्र के छठे अध्याय को आधार बनाकर कल से हमने कर्म की चर्चा प्रारंभ की थी। कर्म तीन प्रकार के कहे गए मूल में, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तीनों का स्वरूप आप लोगों के चित्त में स्पष्ट होगा। यदि स्पष्ट हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कर्म तीन, वापस क्या बेटा, तीन कर्म, एक का नाम द्रव्य कर्म, एक का भाव कर्म, एक का नौ कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जो कर्मों के नाम हैं, ये सब द्रव्य कर्म हैं। इन कर्मों के उदय में, इन कर्मों के फल में जो संयोग प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं नौ कर्म। नौ कर्म में क्या क्या चीज़ें आती है, घर बार, महल मकान, रोटी कपड़ा, खाने पीने की चीज़ें, गहने जेवर, ये जो कुछ भी है हमारे सामने, जो भी उपलब्ध हुआ है वो सब कहेंगे हम नौ कर्म। नौ कर्म माने संयोग, जगत के पदार्थ, जितने पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ हैं नौ कर्म, जो हमें हमारे कर्म के वजह से मिले हैं, जिनको हम अपना कहते हैं। अपने मित्र भी अपने नौ कर्म हैं, अपने शत्रु भी अपने नौ कर्म हैं, अपने सगे संबंधी भी अपने नौकर्म हैं, अपने को अनुकूल लगने वाले भी नौकर्म हैं, अपने को प्रतिकूल लगने वाले भी नौकर्म हैं। अच्छे लगते हों तो, अच्छे नहीं लगते हों तो, अच्छे लगना और अच्छे नहीं लगना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब हमें हमारे कर्म के उदय से मिले हैं। वो सब क्या है, नौकर्म। द्रव्य कर्म के उदय से मिले नौ कर्म। अब ये जो नौ कर्म मिले थे, इनके मिलने में तो हमारा वर्तमान कुछ काम नहीं कर रहा है, ये मिले हैं ये पास्ट पर डिपेंड कर रहा है। जैसा पास्ट में किया था वैसा हमारे को ये संयोग मिले हैं, माने जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं, किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने ऐसा कहा है कि हम आपके वर्तमान को देखकर कह सकते हैं आपका पास्ट कैसा था, कह सकते हैं। और साथ में एक और वाक्य कहा कि हम आपके वर्तमान को देखकर कह सकते हैं आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्या दोनों बातें होगी, आपका वर्तमान ये पास्ट का रिफ्लेक्शन है, पास्ट में जो करके आए हैं, पास्ट में जो किया है, आज तक हमारे माध्यम से जो भी किया गया है उन सब का रिफ्लेक्शन वर्तमान में दिखाई दे रहा है। हम सब ने जैन कुल में जन्म लिया, हमें ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, हमें सद्भाग्य से ये प्योर माल जैन रिलीजन का मिल गया है, इट मीन्स पास्ट तो हमारा बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि यदि भूतकाल अच्छा नहीं होता तो वर्तमान में इतने अच्छे संयोग हमें क्यों मिलते, कैसे मिलते। यहां इस देश में रहते हुए भी जैन मंदिर, वीतरागी जैन धर्म और निरंतर ये वीतरागी वाणी सुनने का अवसर मिलना,
ये कोई कर्म भाग्योदय नहीं है, इसका मतलब भूतकाल में बहुत अच्छे कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं, पास्ट कुछ बहुत अच्छा बीता है इसलिए ये अच्छा वर्तमान मिला है। हाँ, अब जो वर्तमान कर रहे हैं इस वर्तमान की क्रियाकलाप को देखकर, वर्तमान के भावों और परिणामों को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचर कैसा होगा। संयोग मिले ये हमारे पूर्व के कर्म के उदय से, लेकिन इन संयोगों के मिलने पर हमारा मन इनमें लगता है या नहीं, ये दिखा रहा है फ्यूचर कैसा होगा। हमारे चित्त की स्थिरता इससे है या नहीं है, हमारे परिणामों की निर्मलता इन संयोगों के बीच में है या नहीं है, क्योंकि पंडित जी कहते हैं फल तो परिणामों का लगता है। हमारे वर्तमान के जो परिणाम हैं, इन वर्तमान परिणामों का इफेक्ट तीनों कालों पर पड़ता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। वर्तमान परिणाम भूतकाल को भी प्रभावित करते हैं। हरीश भाई, वर्तमान परिणाम वर्तमान को तो प्रभावित करते ही हैं, वर्तमान परिणामों से भविष्य भी प्रभावित होता है, तीनों कालों पर प्रभाव पड़ता है। आपके वर्तमान भाव जैसे होंगे वैसा वर्तमान में फील करेंगे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जिसके जैसे भाव होते हैं उसकी वर्तमान फीलिंग भी वैसी होती है, प्रेजेंट में वैसा ही फील कर रहा होता है जैसे भाव होते हैं। एक व्यक्ति के चित्त में यदि वर्तमान में गुस्से का भाव आ रहा है तो वो वर्तमान में भी दुखी हो रहा है, यदि वर्तमान में बहुत प्रसन्नता का भाव है, खुशी का भाव है, तो वर्तमान में खुश भी हो रहा है वो। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपके चित्त की प्रसन्नता को दिखाती है, तो वर्तमान में जैसे भाव होंगे वैसा आप फल भोग रहे हैं। एक चीज, वर्तमान से फ्यूचर प्रभावित होगा, ये भी कुछ समझ में आती है बात, क्योंकि वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वैसा कर्म बंधेगा। वर्तमान में जो कर रहे हैं इसका मतलब भाव कर्म, इन भाव कर्मों से ये बंधेगा और ये फल मिलेगा। ये भाव हुए, ये बंध गया और ये मिलेगा, ये फ्यूचर है। नौकर्म फ्यूचर है, नौकर्म जो वर्तमान में मिल रहा है मिला है ये पास्ट का फल है, भविष्य में जो नौकर्म मिलेगा ये वर्तमान के भावों के फल में मिलेगा। इसका मतलब जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा, अभी के अच्छे भाव अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, फ्यूचर हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है हमारा फ्यूचर। हम यदि चाहें तो हमारे परिणामों के स्टेयरिंग को घुमाएं और उसे नरक की तरफ ले जाएं, और हमारे हाथ में है हमारे भावों और परिणामों के स्टेयरिंग को घुमाएं और मनुष्य और देवगति की तरफ ले जाएं, और परिणामों को इतना अंदर की तरफ घुमाएं कि हमारी गाड़ी मोक्ष तक चली जाए। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, हमारी भावों पर डिपेंड करता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे को नरक में ले जाए, दुनिया में किसी की पावर नहीं है जो हमारे को मोक्ष में ले जाए, स्वर्ग में ले जाए, कोई नहीं ले जा सकता है। सब कुछ हमारे हाथ में, जैसे भाव होंगे वैसा फ्यूचर होगा। पास्ट कैसे बदलेगा, पास्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, जिज्ञासा नहीं करती, प्रश्न नहीं उठता आप लोगों को। पूछने वाले ही थे लेकिन तो आप पूछते ही नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा। आप तो पहले पूछ लिया करो। क्या पास्ट में आप कैसे होगा, ये कैसे होगा पास्ट में, किशोर भाई कैसे होगा, ऐसा कैसे चलेगा भाई। प्रेजेंट जो हमारे भाव हो रहे हैं उससे प्रेजेंट प्रभावित हो रहा है, समझ में आ रहा है, इस प्रेजेंट से फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। बच्चा यदि अभी पढ़ाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका फ्यूचर बनेगा, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका अच्छी तैयारी होगी, उसका फ्यूचर कैसा होगा उसके वर्तमान से दिख रहा है ना, तो वर्तमान से वर्तमान और भविष्य तो दिखाई दे रहा है, पास्ट कैसे बदल जाएगा, पास्ट तो हो चुका है। हो चुका है, कोई नहीं बोलते हैं, सब सुने जा रहे हैं, बस जो सुनाओ पंडित जी हम तो सुन लेंगे। बदलेगा कैसे हो, तो बहुत अजीब की बात है। हम बदल सकते हैं शेर भाई, पास्ट को भी बदल सकते हैं, ये हमारे वर्तमान की पावर है, पावर ऑफ प्रेजेंट परिणाम।
कैसे कैसे ताकत है। भूतकाल में जो हमारे द्वारा पाप किए गए हैं, भूतकाल में जो हमारे द्वारा कर्म किए गए हैं, 10 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, पिछले जन्मों में हमने जो पाप किए हैं, जो हुए हैं हमारे द्वारा, फल मिलने के पहले पहले यदि हमारे वर्तमान भाव बदलते हैं तो वो पहले के बंधे हुए कर्म पड़े पड़े बदल जाएंगे। पास्ट के बंधे हुए कर्म, उनमें संक्रमण हो जाएगा, उनमें उत्कर्षण हो जाएगा, उनमें अपकर्षण हो जाएगा, पाप कर्म पुण्य में बदल जाएगा। पहले का किया हुआ भी किया था खोटा काम, हाँ, भूतकाल में जो हमारे द्वारा किया गया था, जो कर्म वर्षों से बंधे पड़े थे, न मालूम कब से बंधे हुए थे वो कर्म, वो बंधे हुए कर्म भी बदल जाएंगे, क्या परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या आप सोचो, कल्पना करो, हमने कोई पाप किया था और वो पाप बदल करके उसका फल अच्छा मिल जाए, हमने कोई पुण्य किया था, वो पुण्य करने पर उसका फल बदल करके पाप रूप हो जाए, डिपेंड करता है वर्तमान के ऊपर। हमने दान दिया, हमने घोषणा की 2 लाख रुपया दान, किसी आयोजन में, किसी पंच कल्याणक में, किसी प्रतिष्ठा में, किसी मंदिर में, और 2 लाख रुपया दान दे करके हम यहाँ आए, आपको क्या लगता है पुण्य बंधा होगा? बताइए, होगा नहीं बंधा होगा? बंधा होगा। अब सुनो, अब ये भाव कैसे हैं, चक्कर तो ये है, पैसे से फर्क नहीं पड़ता। पैसा कितना जेब से निकला है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव कैसे हैं। यदि देख करके आपको ऐसा भाव आता है, यार ज्यादा ही दे दिए, 1.5 लाख में काम चल जाता, मैंने भी 2 बोल दिए वहां, मेरे बाद में सब लोगों ने बोला, उन्होंने तो 1 लाख 1 लाख 11 हजार 1 लाख 21 हजार में 2 बोल दिया, ज्यादा दे दिया मैंने। अब देखो इसके भाव बदल गए, इसके भाव बदलते हैं तो कर्मों में चेंजेज होता है। पास्ट में 5 साल पहले दिया था, 2 साल पहले दिया था, 2 महीने पहले काम किया था हमने, और आज हमारे भाव बदल गए तो वो जो पुण्य बंधा था वो पुण्य संक्रमित हो जाएगा पाप में, अपकर्षित हो जाए। अपकर्षण माने घट जाना, उत्कर्षण माने बढ़ जाना। भाव अच्छे रखो, कुल मिलाकर के बात यह है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, हमारे परिणाम उज्जवल होने चाहिए, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। आप कोई काम कर पाए या नहीं कर पाए, आप मंदिर आ पाए या नहीं आ पाए, आप प्रक्षाल कर पाए या नहीं कर पाए, आप पूजा में बैठ पाए या नहीं बैठ पाए, आप प्रवचन सुनने के लिए फुल टाइम दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन हरीश भाई मन में निरंतर ये चलना चाहिए, मुझे सुनना है, मुझे सुनना चाहिए, मैं सुन नहीं पाया, मैं जा नहीं पाया, मेरी भावना बहुत है, आपकी भावना का फल मिलेगा। भावना भवनाशिनी, भावना का फल मिलता है। जैसे भाव होते हैं, आपके भाव बदलेंगे आपके कर्म बदलेंगे, आपके कर्म बदलेंगे आपका भाग्य बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा आपका जीवन बदल जाएगा। ये सारा का सारा परिवर्तन, ये सब निर्भर कर रहा है हमारे भावों के ऊपर। सारी कंट्रोलिंग पावर अपने पास में है। आज तक हो ये रहा था, हमने अपनी सारी कंट्रोलिंग पावर दे रखी थी किसी दूसरे को, सारी पावर दूसरे को दे रखी थी। भाई साहब क्या हो रहा था, सामने वाले ने गाली दी, और 2 लोगों ने हमारी प्रशंसा कर दी, मजा आ गया। क्या अपन भी देखो, आप माने मेरा प्रसन्न होना और मेरा दुखी होना, इसका रिमोट दूसरे के हाथ में। दूसरा व्यक्ति मेरी प्रशंसा करे तो मैं खुश हो जाऊंगा, दूसरा व्यक्ति मेरी निंदा करे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है। एक प्रवचन किया, 4 लोगों ने प्रशंसा कर दी, तो प्रशंसा कर दी तो मैं खुश हो गया, वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और 2 लोगों ने कह दिया, पंडित जी मजा नहीं आया, और देखो कैसे चेहरा उतर जाता है, क्यों मजा नहीं आया? तो तुम्हारा मजा किसी दूसरे के चेहरे से आएगा, तुम्हारा मजा दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। 2 लोग प्रशंसा कर दें तो मजा आ जाता है, 2 लोग निंदा कर दें तो बुरा लग जाता है। हम गए यार बहुत अच्छा लग रहा है प्रफुल्ल भाई, आपका कुर्ता कहां से लिया है? लगता है हमारी प्रशंसा हो रही है, हमें मजा आता है, हमें अच्छा लगता है, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, आप बैठे हुए मुस्कुराते रहते हो, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं इससे। आपको मुस्कुराते हुए देख करके मैं प्रसन्न रहता हूं, माने मेरा प्रसन्न होना ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सारा कंट्रोल हमने बच्चों के ऊपर दे रखा है, सारा कंट्रोल हमने वाइफ पर, फैमिली वालों पर, फ्रेंड्स पर, सोसाइटी वालों पर,
उन पर दे रखा है हमने सब कुछ, जैसा वो कहेंगे, जैसा वो देखेंगे, जैसा वो हमारे बारे में कह देंगे, हम बिल्कुल वैसा ही हो जाएंगे। ये क्या हो गया है भाई साहब? आप स्ट्रांग बनो थोड़ा सा, अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं, आपका कंट्रोल आपके पास में होना चाहिए। जिनका कंट्रोल दूसरों के पास में होता है उन्हें दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता, और जिनका कंट्रोल अपने हाथ में होता है वे ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। हमारे वितरागी संत, कंट्रोल किसी दूसरे के पास में नहीं है। मौसम अच्छा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम बिगड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उपसर्ग हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग जय जयकार कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। समता धारण करके रहते, क्या फर्क पड़ता है? सामने वाले कुछ भी कहते हो, सामने वाले कुछ भी बोलते हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे। देखो आपके हाथ में सारी पावर आपके हाथ में है। ये जिनागम कह रहा है, ये वितरागी संत कह रहे हैं, ये तत्वार सूत्र कह रहा है, ये कह रहे हैं ये कर्म आपके हाथ में है, इसलिए किसी के ऊपर भी निर्भर मत बनो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो। ये जैन धर्म स्वावलंबन की बात बतलाता है, ये जैन धर्म भक्त नहीं भगवान बनने की बात कहता है, ये जैन धर्म दूसरों पर डिपेंड, अरे ये तो भगवान पर डिपेंड नहीं हो ऐसी बात कहता है। भगवान भी क्या, भगवान भगवान की जगह है, वे तीन लोक के नाथ हैं हम मानते हैं, वे वीतरागी और सर्वज्ञ हैं हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनकी वीतरागता उनकी सर्वज्ञता मेरे किसी काम की नहीं। होंगे भगवान आप, क्या आप भगवान होंगे, लेकिन सुनो निश्चित तेरे सदृश प्रभु, आपके बगल में आकर के बैठने वाला हूं मैं, आपसे कम नहीं हूं मैं, कोई कमजोर नहीं हूं, मेरे में भी वही शक्तियां हैं, मेरे में भी वही पावर है। मैं अपने चित्त को बदलकर, अपने चिंतन को बदलकर, अपनी दृष्टि को बदलकर आप जैसा बन सकता हूं। जो काम आपने किया है आप क्या सोचते हो मैं नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूं। आप जैसा पुरुषार्थ को भी आवे, हाँ क्यों नहीं आएगा, आ सकता है बिल्कुल। अनंत शक्ति संपन्न द्रव्य इस देह देवालय में विराजमान है भाई साहब, अंदर में बैठा हुआ है, उसको पहचानो। भाव बदलते ही कर्म बदल जाते हैं, पास्ट बदल जाता है, फ्यूचर बदल जाता है, बैठे बैठे कर्म बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता है अंदर में सब परिवर्तन हो। आप यहां आकर के बैठे हैं, आपको पता नहीं है अंदर में कर्मों में क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा। अंदर के अंदर बदल रहे हैं, कर्म के कर्म बदल रहे हैं, अनंतानंत कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में जो चिपके हुए हैं वे कर्म परमाणु ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? पूर्व के किए गए पाप पुण्य में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमें तो कुछ चमत्कार दिखाओ तो महिमा आती है भाई साहब, हमें तो कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ। देखो हमें तो यदि महावीर भगवान का चमत्कार दिखा दो तो हम रोज मंदिर आना शुरू कर दें, हमें कोई चमत्कार ही नहीं दिखता है, हमें कुछ लगता ही नहीं। आपके कोई अतिशय नहीं है क्या मंदिर का कुछ? अतिशय क्षेत्र की चर्चा आई थी ना सुबह के उसमें पूजा में, कोई कोई अतिशय थोड़ा बहुत यदि हो ना, कर दो यार विशाल भाई थोड़ा सा कुछ दिखा दो तो देखो फिर आप लोग कैसे आना शुरू होंगे, लाइन लगेगी भाई साहब, यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी आपको। कर सकते हो ऐसा भाई साहब? ये अतिशय हो रहा है आपको पता नहीं है। पहले तो बड़ा संकट आए और फिर संकट मिटे तो हमें चमत्कार दिखता है। डॉक्टर के जाएं और डॉक्टर हमारे को डिक्लेयर कर दे कि कैंसर है तो भगवान याद आते। अब डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिया, अब भगवान हमें याद आ रहे हैं और मंदिर आए दर्शन किए भगवान की भक्ति करता है, और दूसरे दिन यदि डॉक्टर ये वापस जांच करे वो कहे कैंसर नहीं है तो लोग दोनों लोग और चमत्कार हो गया तो गजब हो गया, मैं तो कल तो कैंसर था और आज मंदिर गया मैं तो, ये तो गजब हो गया भाई, मैं तो भगवान, तो हमें चमत्कार दिखता है। सुन भैया ये जो तुझे चमत्कार दिख रहा है ये होने के बाद में मिटे तो चमत्कार दिखता है। हम कह रहे हैं अंदर में कैंसर के परमाणु पनप रहे थे तुझे पता नहीं था, और अंदर की अंदर ही साफ हो गए इस तत्व ज्ञान को पढ़ने सुनने से समझने से, वो चमत्कार तुझे दिखता नहीं, वो दिखता नहीं है भाई साहब हमारे को। आज आप स्वस्थ बैठे हुए हैं ना प्रफुल भाई, ये स्वस्थता के पीछे क्या राज है आपको पता है? अंदर में पनपने वाली बीमारियां अंदर की अंदर साफ हो जाती है,
अंदर के अंदर साफ हो जाती है। बड़े से बड़े संकट आने के पहले ही ऊपर की ऊपर गायब हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कोई व्यक्ति आपको घटना बताए तो आपको पता लगे। आप यहां बैठे हुए हैं और आपकी आंख बंद है, आंख बंद करके यहां सुन रहे हैं, और उधर से कोई सांप आ गया और सांप ऐसे फन लगा करके आपके पास में बैठा हुआ था, आपको पता नहीं। इतने में इधर से विशाल भाई आए, श्रेयस भाई के पास में सांप बैठा हुआ है, उन्होंने और वो बोले डसने वाला है, इन्होंने कुछ उपाय किया और उसको वहां से भगा दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं आपके ऊपर संकट आया था और चला गया, आपको तो पता ही नहीं है। अपने को महिमा आती नहीं है क्योंकि अपने को पता ही नहीं लगा कि कुछ हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये फैक्ट है, परिवर्तन होता है, होता है और होता है। ये अंदर में बंधे हुए कर्म संक्रमित भी होते हैं। संक्रमण माने बदल जाना, संक्रमण माने चेंज हो जाना, अपने आप बदल जाते। अपकर्षण माने कम हो जाना, पहले के बांधे हुए कर्म कम हो जाते हैं। उत्कर्षण माने बढ़ जाना, तो बढ़ते भी हैं कर्म, बंधे हुए इंक्रीज हो जाते हैं, पहले के बंधे हुए डाउन हो जाते हैं, घट भी जाते हैं और बदल भी जाते हैं। एक सेठ था, सेठ के चंदन की लकड़ियों का व्यापार था। उसकी डेथ हो गई तो बेटा संभालने लगा बिजनेस। गांव में रहता था, बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत बढ़ा दिया उसने अपने बिजनेस को। गांव में रहते हुए चंदन की लकड़ियों का इतना व्यापार हो गया कि दुनिया उसे चंदन सेठ के नाम से जानने लगी। चंदन की लकड़ियों का व्यापार, लकड़ी खूब खूब व्यापार चलता था। एक दिन संयोग से क्या हुआ, गांव में वहां के राजा उनकी सवारी निकली, राजा की सवारी निकली उस गांव से। राजा होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं, तो वो शहरों में रहते हैं राजा, अब वो गांव होते हैं उनके अंडर में बहुत सारे, तो कभी उनकी सवारी है, कभी कभी गांव में घूमने के लिए निकलते हैं वो, देखने के लिए, अपनी प्रजा से मिलने के लिए। तो वो जो राजा था वो अपने रथ में बैठकर उस गांव में से जब उनकी सवारी निकल रही थी, तो गांव वाले जितने भी लोग थे सभी लोग राजा के दर्शनों के लिए आए। जहां उनकी राजा की सवारी निकल रही थी दोनों साइड लोग खड़े हो गए और दर्शन करने लगे, जय जयकार करने लगे, राजा की जय हो, राजा की जय हो, जय हो, और जय जयकार हो रही है और दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है और बीच में से राजा की सवारी निकल रही है। राजा था वो, जो सेठ था, जिस सेठ का नाम चंदन सेठ था, वो भी जब उसे पता लगा तो अपने घर के बाहर फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में आ गया, और बालकनी में आकर उसने राजा को देखा, राजा को ऊपर से नमस्कार किया, राजा ने उसको देखा, उसने राजा को देखा, राजा ने आशीर्वाद। उसके मन में एक भाव आया, सेठ के मन में, देखना भाई साहब, सेठ के मन में एक भाव आया कि यार राजा की सवारी कितने सालों में आया है, राजा अपने गांव से निकल रहा है, यहां से एक दो दिन रुकेगा इधर से, यहां से सवारी निकल रही है इसकी, अभी यदि अपने गांव में ही राजा की डेथ हो जाए तो चंदन की जो लकड़ियां हैं अपने, वो चंदन की लकड़ियों में राजा को जलाएंगे और अपना जो पुराना डेड स्टॉक है वो अच्छे दामों में। भाव है भाई साहब, भाव तो किसी के भी मन में कुछ भी आ सकते हैं, विचार है, सोच है, चिंतन है, किसी के भी मन में कुछ भी चिंतन चल सकता है, सोच को कौन रोक सकता है। लेकिन आप समझते हैं इसका फल क्या निकला, क्या फल मिला होगा, क्या हुआ होगा, इस भाव का फल क्या हुआ। ये जो मन में भाव आया इधर, तुरंत उधर राजा ने, नीचे राजा की सवारी निकल रही थी, राजा ने बगल में खड़े हुए मंत्री से कहा, मंत्री जी ये सेठ है ना, इसको कल बुला करके फांसी पे चढ़ा दो, सुबह 8 बजे इसको बुला के फांसी पे चढ़ा दो। राजा सोच रहा था यार ये बहुत घमंड हो गया है सेठ को, समझता क्या है अपने आप को, पूरी प्रजा हमारे दर्शनों के लिए नीचे आई है और ये ऊपर से सलाम करता है क्या। देखो सेठ के मन में भाव क्या आया, राजा मर जाए, यदि ये मर जाए तो चंदन की लकड़ियां अच्छे दामों में निकल जाएगी, पुराना डेड स्टॉक ऑफ सीजन चल रहा है,
अच्छे में निकल जाएगा। इसके मन में तो इतना सा भाव आना था और राजा ने तो मृत्यु दंड की सजा सुना दी ये देख करके कि इतना घमंडी हो गया है, कितने सालों में हम आए हैं, नीचे नहीं उतर सकता था। मंत्री को कह दिया सुबह 8 बजे इसको बुलाओ वहां और फांसी पे चढ़ा दो इसको। सवारी निकल गई। रात्रि में सेठ विचार कर रहा था, अरे यार आज राजा की सवारी निकल रही थी, मेरे मन में कितना खराब भाव आ गया, सोच सकता है। वापस सेठ के मन में भाव आया कि राजा की सवारी निकल रही थी, मैं कितना गलत सोचने लग गया, मैंने राजा के बारे में क्या सोच लिया, आज मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके बारे में ऐसा सोचता, राजा भी तो हमारे पिता समान होते हैं, प्रजा के पालक होते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्या करें, जो भी है, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा भाव मेरे मन में नहीं आना चाहिए। रात बीत गई, अब क्या हुआ होगा। मंत्री ने सुबह 7:30 बजे राजा से कहा कि महाराज उसको फांसी के लिए कहा था आपने, बुला लाऊं सेठ को, क्या हुआ होगा। राजा ने कहा नहीं नहीं रहने दो, उसकी फांसी की सजा कैंसिल करो, क्या पता क्या कारण रहा हो, इतनी सी बात के आधार पर उसे फांसी पर चढ़ा देना उचित नहीं, ये बात ठीक नहीं लगती है हमारे को, आखिर सेठ साहूकारों से ही तो हमारे गांवों की शोभा है, रहने दो। राजा ने सजा कैंसिल कर दी। अब मेरा आपसे ये पूछना है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या सेठ को इस बात का पता है क्या कि मुझे फांसी की सजा सुनाई गई थी, नहीं मालूम है सेठ को, और फांसी की सजा कैंसिल हो गई ये पता नहीं है सेठ को, फांसी की सजा दी गई थी ये भी पता नहीं है, फांसी की सजा कैंसिल हो गई थी ये भी पता नहीं है, और राजा को पता है क्या कि मारने के लिए मैं मर जाऊं ऐसा उसने सोचा था और भाव उसका बदल गया था ये भी पता नहीं है। भाई साहब ये ऐसे ही होता है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसी तरह से चलती रहती है। आपके मन में किसी के लिए खोटा भाव आया, तुरंत उसके मन में आपके लिए कुछ और भाव आ गया। ये कर्म की चाल इस तरह की चलती है, इधर कर्मों में कुछ होता है, इधर भावों में कुछ होता है, तुरंत कर्म बंद भी जाते हैं, परिवर्तित भी हो जाते हैं, उसका रिएक्शन भी हो जाता है सामने, कहां कहां क्या क्या इफेक्ट पड़ा है हमें कुछ नहीं मालूम, और इधर भाव बदलते हैं तो उधर भी बदल जाता है। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उस व्यक्ति के भाव आपके लिए अपने आप अच्छे हो जाते हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए बुरा 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 सोचते रहते हैं, उस व्यक्ति के मन में भी आपके लिए द्वेष भाव जागृत होता रहता है। गृहस्थी अच्छी चलती है कि नहीं चलती है, आपस में बनती है कि नहीं बनती है। सब ऐसे चुप हो गए जैसे क्या कहें, सांप सुन गया है, सांप सुन गया है। आपको यदि अपने बेटर हाफ की बुराइयां दिखाई देती है तो समझ लेना उसके चित्त में भी आपके प्रति बुराई द्वेष भाव चलता है, और आपके मुख से यदि उनकी प्रशंसा निकलती है तो निश्चित मान करके चलिए उनके हृदय में भी आपके प्रति बहुत प्रेम का भाव होगा। ये सहज है ही, आप अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपकी सोच यदि अच्छी होगी, कुल मिलाकर के बात ये है, हमारे भाव, हमारी क्रिया, हमारा मन, मन वचन काय, तीन चीजें, इनसे कारवाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर के आती है। ये पहला सूत्र है 6 अध्याय का, काय वांग मन है कर्म योग है। सूत्र क्या है, रिपीट कर सकते हैं आप लोग, हिसाब किताब ही नहीं है हमारे सामने, अरे आधा आधी लाइन भी नहीं है। काय वांग मन है कर्म योग है, काय वांग मनेंगे बोलिए, काय वांग मन है कर्म योग है, काय वांग मने कर्म योग है। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बोलता रहूंगा मैं, काय वांग मन है कर्म योग है, काय वांग मन है कर्म योग है, काय वांग मन है कर्म योग है, काय वांग मन है कर्म योग है। तीन बातें हैं, काय वांग मन है, काय माने शरीर, वांग वचन, और मन है मन, और कर्म माने इनकी क्रिया, बोले योग, ये योग से होती है, माने योग जो है योगों के कारण ही आत्म प्रदेशों की इस चंचलता के कारण
ये मन वचन काय की इस चंचलता के कारण आत्म प्रदेशों में जो क्रिया होती है उससे कर्म आते हैं। मन कैसा है, वचन कैसा है, काय कैसा है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपका उठना बैठना किस चीज के लिए है, आपकी देह की प्रवृत्ति क्या हो रही है, ये शरीर की प्रवृत्ति देह, आपका उठना बैठना चलना गमन करना खाना पीना नहाना धोना सब कुछ, ये सब क्या है, काय। आप मंदिर की तरफ जा रहे हैं, ये काय की प्रवृत्ति। आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, काय की प्रवृत्ति। आप किसी को बचाने के लिए जा रहे हैं, आप किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, शरीर, शरीर की प्रवृत्ति। वचन, वचन कैसे बोले जा रहे हैं हमारे माध्यम से, और हमारे मन में क्या चल रहा है, मन वचन काय, इन तीनों की क्रिया, इससे होती है आत्म प्रदेशों की चंचलता। और उसके बारे में वहां स्वामी आचार्य ने दूसरा सूत्र दिया, स आश्रव है, उसका नाम आश्रव है, उससे कर्म आते हैं, कर्म बंधते हैं, उसे आश्रव कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, शरीर मन वाणी इन तीनों की जो भी चेष्टा होगी, यद्यपि देह मन वाणी का कर्ता धर्ता आत्मा नहीं है, त्रिकाल नहीं है, शरीर मन वाणी के कर्ता धर्ता हम त्रिकाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर मन वाणी की प्रवृत्तियां आत्म परिणामों में के साथ में निमित्त निमित्तिक संबंध रखती है। शरीर की प्रवृत्ति कैसी है, वचनों की प्रवृत्ति कैसी है, और मन की प्रवृत्ति कैसी है, ये कह रहे हैं स आश्रव है, उससे कर्म का आश्रव होता है। कर्म कल बताए थे हमने, कर्म क्या होते, कर्म क्या होते, क्या आता है भाई साहब, क्या आ रहा है, बिजनेस चल रहा है हमारा, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, रिटायर्ड आप विशाल बिजनेस है, आप भाई साहब बिजनेस, सब बिजनेस मेरे हैं यहाँ पे, सब लोगों का बिजनेस है, जॉब वाले कोई नहीं है क्या, हैं पीछे हैं जॉब वाले, जॉब है आपका पक्का, बिजनेस तो नहीं है, ये कह रहे हैं बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, आपका व्यापार चलता है, मन वचन का ऐसे व्यापार चलता है और दिन रात चलता है, 24 आवर्स चलता है। कोई लाइन याद आती है आपको पूजा की, बहुत बढ़िया बगड़ा जी, दिन रात शुभा शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, दिन रात शुभ और अशुभ भावों से मेरा व्यापार चलता है। शुभ भाव और अशुभ भाव निरंतर चलते रहते हैं, इधर भाव बदलते हैं, उधर कर्म आते रहते हैं, कर्मों का आना और जाना लगा रहता है। जिस तरह से बिजनेस में कुछ आना जाना होता रहता है ना, बिजनेस होता है तो क्या होता है, कुछ आता है कुछ निकलता है, इधर से परचेज करते हैं इधर सेल आउट करते हैं, तो यही तो होता है, आना जाना चलता है। शुभ और अशुभ भावों से इन कर्मों में भी परिवर्तन होता रहता है। कब, कब नहीं होता ये बताओ, निरंतर हर समय, शुभ और अशुभ 24 घंटे बदलते हैं भाई साहब, हर समय बदल रहे हैं। ये जो आश्रम कह रहे हैं ना यहां मन वचन काय की चेष्टाओं से, ये निरंतर हो रहा है, निरंतर तो हो रहा है, लेकिन मंदिर में बैठ करके तो पुण्य बांधते हैं ना, मंदिर में बैठते हैं तो पुण्य बांधते हैं, पाप भी बांधते हैं, मंदिर में भी पाप, क्या बात कर रहे हैं, भाव कैसे हैं, क्योंकि फल लगता है वो भावों का लगता है, क्रिया का नहीं, क्रिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितनी क्रिया है कैसी क्रिया है उस क्रिया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके भाव कैसे, क्रिया कैसी भी हो, भाव अच्छे होंगे तो क्रिया भी अच्छी होगी, नो डाउट, लेकिन आपकी क्रिया कैसी है उसके साथ साथ में भाव किस तरह के हैं। और सुनो, हर अंतर्मुहूर्त में भाव बदलते रहते हैं, भाव तो प्रतिक्षण बदल रहे हैं, अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे, बैठे बैठे भी पुण्य भी बांधता है और पाप भी बांधता है, मंदिर में बैठे बैठे पाप बांध सकता है और घर में बैठे बैठे पुण्य बांध सकता है, दुकान पर बैठ करके पुण्य बांध सकता है और मंदिर में बैठ करके पाप बांध सकता है, तो फिर यार तो अच्छा कहा पंडित जी आपने, हम दुकान पे बैठेंगे ना, यदि यदि दुकान पे बैठ के पुण्य बनता हो तो ये तो आज तक तो किसी पंडित जी ने बताया नहीं था हमारे को, आप अच्छे आ गए ये बात बताने वाले, तो दुकान पे बैठ के पुण्य बांधेंगे, मंदिर आके पाप क्यों बांधे अपन,
कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपके जैसे भाव होंगे वैसा कर्म बंधेगा। बैठे बैठे भी, यहां बैठे बैठे भी ये जीव पाप बांध सकता है, बांधता है। कितने, एक घंटे का प्रवचन है ना, नियम से पाप बांधा है आपने बीच में, नियम है नियम, क्योंकि 48 मिनट मैक्सिमम है, 48 मिनट से ज्यादा कोई भी एक तरह का भाव रह ही नहीं सकता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, 48 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता है। एक पुण्य परिणाम, एक शुभ भाव, उस शुभ भाव की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 48 मिनट मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद में वो अशुभ में बदलेगा, अशुभ से शुभ में बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे यदि मंदिर में बैठे हैं तो पाप भी बांध रहे हैं। क्या पाप किया होगा बताओ, पकड़ में आता है कोई पाप? ये ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ बैठे बैठे हम क्या पाप करेंगे? आपका प्रवचन सुन रहे हैं, अभी आपका प्रवचन सुनने में भी पाप लगे तो कल से बंद करें। हाँ, सुनते सुनते उपयोग दूसरी जगह चला जाता है, सुनते सुनते हमारा मन दूसरी जगह चला जाता है, सुनते सुनते इधर उधर देखने लग जाते हैं, सुनते सुनते हमारा ध्यान शरीर की तरफ चला जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है कब हमारा ध्यान ये सर खुजलने में चला गया, कब हमारा ध्यान ऐसे आसन बदलने में चला गया, कब हमारा ध्यान ऐसे करने में चला गया, कब मक्खी उड़ाने में हमारा ध्यान चला, पता नहीं चलता। इतना फास्ट मूवमेंट होता है, इतना फास्ट हो रहा है कि हम पकड़ नहीं पा रहे, बहुत फास्ट मालूम ही नहीं चल रहा है हमारे को। कब हमारे को गर्मी लगने लग जाती है, कब उठा करके हम ऐसे चालू हो जाते, पता ही नहीं लगता है हमारे को। कब हम मुस्कुराने लगते हैं, कब हम आगे पीछे हो जाते हैं, कब हम हमारे घुटने संभालने लगते हैं, कब हमारे कमर को ऐसे लगते हैं, होता है। तो ये सब पुण्य है कि पाप है? शरीर की तरफ जो ध्यान जा रहा है ये सब पाप ही तो है। और पाप क्या चीज है, माने बैठे बैठे भी जितना ध्यान हमारा पता नहीं लग रहा है, उपयोग इतना सूक्ष्म है, एक सेकंड में असंख्यात बार बदल जाता है, एक सेकंड में असंख्यात बार। हम क्या उसका मेजरमेंट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। एक सेकंड में असंख्यात समय है, इतना फास्ट। एक छोटा सा बतलाऊं आपको एग्जांपल, मैं कह सकता हूं भैया कितनी देर हो गई आपको आए हुए, 15-20 मिनट तो हुई होगी, ज्यादा हो गए, आधा घंटा हो गया। यहां जब से आप बैठे हैं मुझे देख रहे हैं, आपके आंखों की पलकें झपकी या नहीं, पता लगा आपको? आधे घंटे में पता नहीं लगा, आधे घंटे में आपको मालूम नहीं चला कि आपकी आंखों की पलकें झपकने का मतलब समझते हैं आप? आंखों के सामने कोई चीज आकर हट गई, यही हुआ ना। आंखें की पलक झपकने का मतलब ये आंख बंद होकर दोबारा खुली, यही तो है। तो बंद हुई थी तो आपके देखने में कुछ ना कुछ व्यवधान पड़ा होगा, बाधा हुई होगी, यानी बाधा तो नहीं, हमें तो लगा ही नहीं ऐसा। मेरे कहने के बाद तो सबने फील किया है, लेकिन मेरे कहने के पहले आपको ऐसा लगा ही नहीं। मांतुंगाचार्य जो थे भक्तावर स्तोत्र जिन्होंने लिखा, वे भक्तावर स्तोत्र में ऐसी बात कहते हैं, हे आदिनाथ भगवान, आपको देखते समय ये आंखों की पलकें झपकना भी मेरे को डिस्टर्बेंस महसूस होता है, ये डिस्टर्ब करती है मेरे को, लगता है ये नहीं। दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपियाति जनस्य चक्षु, पढ़ते हैं कभी भक्तामत बोलते हैं? गुजराती में बोलते हैं? गुजराती में लिखा था क्या मानदंगाचार्य ने? संस्कृत में बोलना चाहिए, बड़ा मजा आएगा, मूल शब्द है उनके, है ना। गुजराती में बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई बाधा नहीं है, भाव समझ में आना चाहिए उसका। कुल मिलाकर के बात यह है, दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। दृष्ट्वा देखकर, भवंतम आपको, दृष्ट्वा भवंतम कैसे हैं आप, अनिमेश विलोकनीयम नेत्रों की पलकें झपकना भी डिस्टर्बेंस महसूस होता है, ऐसा मानतुंगाचार्य कह रहे हैं। आपके और मेरे बीच में मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, आपके और मेरे बीच में पलकें भी क्यों आ जाए, ऐसा वो कहते हैं।
कितना फास्ट हो रहा है मूवमेंट, हमें पता नहीं लग रहा है। भाव इतने फास्ट बदल जाते हैं, बैठे बैठे दुकान पर जा जाते हैं, बैठे बैठे घर पर चले जाते हैं, बैठे बैठे बिजनेस में चले जाते हैं, इधर उधर की बातें याद आने लग जाती है, फिर घूम करके आ जाता है। सबसे तेज दौड़ने वाली यदि किसी की गति है मन, मन दौड़ता है, कहीं भी चला जाता है, दौड़ करके चला जाता है, वापस लौट करके आ जाता है। ये कह रहे हैं आपके मन की प्रवृत्ति ये पुण्य भी बांध सकती है और ये पाप भी बांध सकती है, इट डिपेंड्स वो प्रवृत्ति कैसी है। इसके बारे में आगे सूत्र दिया इन्होंने, सूत्र नंबर 3। ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं करनी है श्रेयस भाई, बराबर ना। तीसरा नंबर का सूत्र दिया, पहला सूत्र क्या था, काय वांग मनः कर्म योग है, काय वांग मनः कर्म योग है। दूसरा सूत्र था स आश्रव है, स माने वह, वही आश्रव है, आश्रव माने कर्मों का आना, कर्म आएंगे तो कर्म बंधेंगे, कर्म बंधेंगे माने द्रव्य कर्म, ये वही कल वाली बात याद रखना, ये द्रव्य कर्म, ये किससे हुए, काय वांग मने है, इसमें जो मन था मेन भाव था उससे कर्मों का आश्रय हुआ और कर्म बंधे, और कर्म बंधेंगे तो वो कर्म फल देंगे, और फल देंगे तो पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, कि पैसा चोरी चला जाएगा कि पैसा पड़ा रहेगा, शरीर कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, तबीयत कैसी रहेगी, हार्ट का ऑपरेशन होगा कि ब्लॉकेज आएगा कि नहीं आएगा, कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा कि ऑपरेट कराना पड़ेगा, कि अटैक आने पर सीधा ही, कुछ भी हो सकता है। ये किसके ऊपर चलेगा, ये इस पे, और ये किस पे चल रहा है, भाव पे। तो ये यहां क्या कह रहे हैं, स आश्रम है, आश्रम होगा, आश्रम में तकलीफ नहीं है, आश्रम में किसी को तकलीफ नहीं होती है, कर्म बंधन में भी तकलीफ नहीं है। अरे भाई कर्म बंध रहा है अपने को क्या तकलीफ है, बनते रहने दो, तकलीफ तो तब होगी बेटा जब उदय में आएगा, तकलीफ तो तब होगी जब उसका फल मिलेगा, अभी अभी क्या तकलीफ है। इसलिए कहते हैं ना ये जीव हंसते हंसते कर्म बांधता है और जब फल भोगने का समय आता है रोता है। तो हम कह रहे हैं भैया यदि तू कर्म बांधते समय ही सावधान हो जाए तो फल भोगते समय तुझे रोना नहीं पड़े। क्यों नहीं कर्म बांधते समय सावधान रहता है, हर समय सावधान रहो, हर समय सावधान रहो, सचेत रहो, जागृत रहो, अपना उपयोग इधर उधर मत भटकाओ, ये उपयोग भटकाने के लिए नहीं है, ये उपयोग अपने में रमाने के लिए है। कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका, ये कर्म कर्म है ना, ये कर्म बिगाड़ते नहीं है सच में, ये तो हमारे ही कर्म खोटे हैं, मतलब भाव कर्म खोटा होता है, द्रव्य कर्म इस प्रकार का बंधता है। तभी कह रहे हैं स आश्रव है, उससे कर्म का आश्रय हुआ। अब कहते हैं शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य, 3 नंबर सूत्र, बुक्स नहीं है, कम लोगों के पास में है। शुभ है पुण्यस्य अशुभ है पापस्य, शुभ है बोल तो सकते हैं सब, किताब नहीं है तो क्या हुआ, शुभ है पुण्यस्य, शुभ है पुण्यस्य और अशुभ है पापस्य। इसका मतलब शुभ परिणाम होगा तो पुण्य बनेगा, अशुभ परिणाम होगा तो पाप बनेगा। तो पाप बांधना भी हमारे हाथ में और पुण्य बांधना भी हमारे हाथ में, तो बोलो क्या करना है, पाप और पुण्य यदि दोनों बांधना आपके हाथ में है तो बांध क्या, पाप क्यों बांधते हो फिर आप, दोनों आपके हाथ में है ना, पाप भी आपके हाथ में है, पुण्य भी आपके हाथ में है, तो आप आखिर पाप बांधते ही क्यों हो, पुण्य ही क्यों नहीं बांधते हो, आपके कंट्रोल में है तो करो ना, कि क्या करें, चाहते तो बहुत है क्या, लेकिन बस नहीं चलता है, ये आ जाता है पंडित जी, ये अशुभ भाव आ जाता है, ये पाप भाव आ जाता है, हमारे नहीं चाहते हुए भी ऐसे भाव हमारे मन में आ जाते हैं, क्या करें हम, कि सुनो बुद्धि पूर्वक अपना उपयोग तत्व विचार में लगाओ, बुद्धि पूर्वक, अबुद्धि पूर्वक आपका उपयोग दौड़ेगा विषय कषाय की तरफ। बुद्धिपूर्वक क्या काम करना है, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार में उपयोग लगाओ, बुद्धिपूर्वक जनवाणी के अभ्यास में अपना उपयोग लगाओ, बुद्धिपूर्वक देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में अपना उपयोग लगाने का प्रयास करो। शुभ है, क्या शुभ है, काय वांग मने शुभ है, काय वांग मने 3 थे ना वो, अब ये उन तीनों के लिए कह रहे हैं, सहस्रम और फिर शुभ है, तो ये 3 का शुभ होना,
शरीर की प्रवृत्ति शुभ रूप होना, वचन की प्रवृत्ति शुभ रूप होना, मन में शुभ भाव आना, ये तीन बातें। ये शुभ यदि होगा तो पुण्यस्य पुण्य कर्म का आश्रव होगा, बैलेंस बढ़ेगा पुण्य कर्म का। पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए है? मुझे मालूम है मैं कौन सी सभा में बैठ के पूछ रहा हूं। इस सभा में तो यही जवाब आएगा कि हमें तो पुण्य नहीं चाहिए। पक्का नहीं चाहिए? चाहिए, आपको चाहिए। ये देखो, ये सच्ची बात कहते, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। मंदिर में बैठ के माया जारी कर, चाहिए सबको पुण्य, और नहीं अभी पुण्य चाहिए ऐसा कहेंगे तो पंडित जी क्या सोचेंगे। इसलिए अपन तो यही कहो, हमें तो नहीं, नहीं पंडित जी, पाप और पुण्य दोनों तो भेड़िया हैं। मुझे तो दोनों नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए पुण्य भी नहीं चाहिए, हमें तो धर्म करना है। बातें करने में बहुत होशियार है सब। हमारे तो पाप और पुण्य दोनों नहीं चाहिए। अच्छा ऐसा बतलाओ कि आपके घर में संपत्ति बढ़ती रहे वो अच्छा है कि घर में चोरी हो जाए वो अच्छा है? बोलो क्या चाहिए आपको? चोरी हो जाए वो, देखो चोरी होती है वो पाप के उदय से होती है, पाप कर्म के फल में, और संपत्ति बढ़ती है वो पुण्य के उदय से बढ़ रही है, ऐसा समझो आप। तो पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए? पुण्य और पाप का अंतर मालूम है आपको? दुनिया में ऐसे सारे काम जो काम आपकी इच्छा के विरुद्ध होते हैं वे सारे काम पाप कर्म के फल में होते हैं, पाप के उदय से होते हैं। जहां जहां आपको ऐसा लगे मेरे मन माफिक काम नहीं हुआ, जैसा मन में सोचता था वैसा नहीं हुआ, यदि आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है अंदर से, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, इसका मतलब आपके पाप कर्म का उदय चल रहा है। और जब आपको ये लगता है मैंने कही थी ना ऐसा ही हुआ है, तो इसका मतलब आपके पुण्य का उदय चल रहा है। आपको यदि ऐसे लगता है कि शाम को डोसे बनने चाहिए और डोसे बन गए तो आपके पुण्य का उदय, और आपको ये लग रहा है कि एक महीने से कह रहा हूं डोसे नहीं बना रही है तो क्या चल रहा है? पाप का उदय चल रहा है। तो पुण्य का उदय और पाप का उदय किस बात पे निर्भर कर रहा है? आपकी फीलिंग पर, आपको जैसा अच्छा लग रहा है। आप यदि ये चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं और तबीयत बिगड़ती है, यार ये क्यों हो गया, ये घुटनों में दर्द क्यों चालू हो गया, ये कान से सुनना क्यों बंद हो गया, ये पाप कर्म के उदय में इंद्रियां जवाब देती है। सबने कह तो दिया पाप पुण्य दोनों नहीं चाहिए, पहले सुन तो लो, बिना सुने ही कह दिया पुण्य भी नहीं चाहिए। पाप के उदय में कोई काम अच्छा, पुण्य के उदय से जिनवाणी सुनने को मिलती है, बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बदल गए एक मिनट में। पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है, पुण्य के उदय से वीतरागी जिन शासन मिलता है, पुण्य के उदय से मनुष्य देह मिलती है, पुण्य के उदय से उत्तम कुल मिलता है, पुण्य के उदय से क्षयोपशम अच्छा होता है, पुण्य के उदय से सारी अनुकूलताएं मिलती है, पुण्य के उदय से समझ बढ़ती है, पुण्य के उदय से लोग आपकी आज्ञा और निर्देशन में चलते हैं, पुण्य के उदय से ये वीतरागी तत्व ज्ञान और ये जनवाणी सुनने का अवसर मिलता है, बोलो चाहिए कि नहीं पुण्य? तो बात तो अब तो चाहिए, ये सब तो चाहिए। हाँ, तो पुण्य नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा इधर, लेकिन पुण्य से काम चल जाएगा ऐसा नहीं है क्या? दुनिया में लोक में यहाँ पुण्य से काम चलता हुआ भले ही दिखाई दे रहे, वो बात आगे की है, अभी तो यहाँ शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं भाई, अभी तो इसी लेवल पर बात करो अपने। अभी तो हमारे को यदि पुण्य चाहिए तो क्या कह रहे हैं? शुभ है, शुभ कर, शुभ परिणाम, अपने परिणामों को संभालो, मन में पाप भाव मत आने दो, मन में खोटा भाव मत आने दो, मन में किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि इधर जैसा सोचा उधर वैसा दिखाई दिया, समझ लो आप, पता भी नहीं लगेगा, अंदर के अंदर साफ हो जाएगी संपत्ति। आपने संपत्ति रखी थी तिजोरी में और आपको पता ही नहीं लगा, तिजोरी जब खोली तो अंदर खाली मिली, ये क्या हुआ? ये पाप कर्म का उदय कि साहब चोरी चला गया होगा, पता नहीं क्या होगा, चाबियां भी मेरे पास में थी, ये कैसे गायब हो गया, ऐसे ही हो जाता है। अंदर आपके स्टोरेज में जो पुण्य बंधा हुआ है, पहले का बंधा हुआ है,
जिसके फल में अनुकूलताएं मिलनी है वो पूरा का पूरा अंदर में स्टोर किया हुआ वो सब बदल जाता है। आपके भावों में इतनी ताकत है वो बदल देता है उसमें, कम को ज्यादा कर देगा, ज्यादा को कम कर देगा, पुण्य को पाप में बदल देगा, पाप को पुण्य में बदल देगा। ये शुभ परिणामों की ताकत है, अशुभ परिणामों की भी इतनी ताकत है। शुभ है पुण्य से, अशुभ है पाप से। पाप यदि करेंगे पाप परिणाम होंगे तो अशुभ कर्म बनेंगे, पुण्य परिणाम होंगे तो शुभ कर्म बनेंगे। सीधी सी बात है, आपको दिखते नहीं है लेकिन कर्म प्रति समय बन रहे, दिखते नहीं है कभी ये कर्म बनते हुए दिखते नहीं है, तो कर्म बन रहे हैं इसका क्या आधार है? हम कैसे माने? कोई ऐसे सज्जन भी हो सकते हैं जो बिल्कुल नए आए हों, जिन्होंने कभी कुछ नहीं सुना हो, अरे यार ये कर्म वर्म नहीं समझ में आता, हम नहीं समझते कर्म वर्म, ये क्या कर्म वर्म, हमारे को तो ये बतला पैसा कैसे बढ़ता है, हमारे को तो ये बतला बिजनेस कैसे बढ़ता है, या फिर ये बतला दो घर में शांति कैसे रहती है, कोई कोई ऐसे कोई उपाय बतला दो हमारे को तो हम आए सुनने के लिए, बाकी हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके आत्मा में। और ये कर्म वर्म भी पता नहीं कौन से एक अजीब 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 तो नाम है, क्या क्या नाम, ज्ञाना क्या कुछ अजीब गरीब नाम है, पर दर्शनावर्णी वर्ण पता नहीं, मोणी अंतराय शब्द ही बोलने में नहीं आ, पुद्गल पुद्गल पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप लोग, हमारे समझ में नहीं आता, नहीं आता समझ में आपके कर्म, नहीं समझ में आता है। तो ये जो परिवर्तन जगत में दिखाई दे रहा है ये परिवर्तन किस आधार पर है, उसका रीजन क्या है? आपको कर्म की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। आप कर्म यदि नहीं मानेंगे तो फिर ये जितने परिवर्तन जगत में दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है ये गहराई से विचार करो आप। आपको मानना पड़ेगा कि कर्म तो होते हैं वैसा, कर्म बनते भी हैं, कर्म का फल भी मिलता है। और भगवान तो देखो फल देते नहीं है, अपने यहाँ जैन दर्शन में भगवान तो फल देते नहीं है, कोई भगवान अच्छा बुरा फल नहीं देते। भगवान पास करते हैं बेटा परीक्षा में, यू नो हिंदी लिटिल, हिंदी आती है अच्छे से, भगवान पास करते हैं परीक्षा में? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, केजी में, थ्री जी में, ओ वाओ बहुत छोटे, तो एग्जाम में अच्छे नंबर देते हैं कि नहीं भगवान सब में? नहीं देते, देते हैं अच्छे देते हैं, उनके पास नंबरों का स्टोर है बहुत सारा भगवान के पास में, तो कोई आता है तो उनको ले बेटा थोड़े से नंबर, तू आज आया ना चल दो नंबर तेरे को ज्यादा दे देता हूँ, फिर क्या करते हैं तू रोज आएगा ना तो तेरे को 10 नंबर दे दूंगा, मेरे पास बहुत सारे नंबर रखे हैं, ऐसा होता है? नहीं देते भगवान, कुछ नहीं देते। जैन दर्शन में हमारे भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं, ये सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लेना, ये जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है, पहला नियम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान किसी का भला नहीं करते, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान किसी के साथ में कुछ नहीं करते, भगवान फेल भी नहीं करते, भगवान पास भी नहीं करते, भगवान नंबर भी नहीं देते, समझ में आ रही है बात? कुछ भी नहीं देते हैं, ऐसा कुछ तो देते होंगे फिर क्यों जाएंगे हम मंदिर, क्या कर रहे हैं मतलब भगवान क्या कर रहे हैं मंदिर में, जानते हैं, सिर्फ जानते हैं भगवान और कुछ नहीं करते हैं। सारे जैन मंदिरों में प्रतिमाएं जितनी भी होंगी, किसी भी जैन मंदिर में चले जाओ सारी प्रतिमाएं आपको हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई मिलेंगी। किसी जैन मंदिर में आपने ऐसी महावीर भगवान की प्रतिमा देखी है क्या, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हुए आपने नहीं देखी वैसा? आपने भाव जी आपने तो देखी होगी, आपने भी नहीं देखी, किशोर भाई आपने भी नहीं, आपने पीछे पकड़ा जी किसी किसी जैन मंदिर में ऐसे भगवान महावीर स्वामी ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर यहाँ एक फूल लगा हुआ हो, कोई भक्त आए और फिर वो फूल यहाँ से गिर जाए, ऐसा होता है? नहीं, किसी जैन मंदिर में नहीं होता। अच्छा तो फिर ऐसे कोई अस्त्र शस्त्र हो उनके पास में, भगवान के पास में कुछ भी नहीं है, तो करते क्या है वो, मतलब वो ऐसे ऐसा भी नहीं करते हैं, मारते भी नहीं है और ऐसा आशीर्वाद भी नहीं देते, तो हम हाथ जोड़ते हैं तब भी हाथ नहीं उठा करके आशीर्वाद देते, हाथ तो जोड़ते हैं हम रोजाना, रोजाना मंदिर जाते हैं भगवान की प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो जब हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं तो इतना भी नहीं गया यार ये तो इतना तो ऐसा तो करना चाहिए उनको, नहीं करते ऐसा, प्रभु भाई एक प्रतिष्ठा कराओ क्या, मुझे बुलाना
उनमें ऐसी ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए। भक्त आते हैं बेचारे हाथ जोड़ते, तो आशीर्वाद तो मिलना चाहिए कि नहीं उनको? आज तक किसी को मन में ही नहीं आई ऐसी कि भगवान की ऐसी ऐसी प्रतिमाएं तो बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारे भगवान कुछ नहीं करते हैं। महावीर है तो वो पता नहीं मेरे को, तो वो जो पहले की होगी। अब वो यदि वो मानते हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन भैया हमारा जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म तो त्याग की बात करता है, वीतरागता की बात करता है, संयम की बात करता है, ग्रहण करने में नहीं छोड़ने की बात करता है। और क्या छोड़ना है? बाहर में क्या छोड़ना है, अंदर में जो मान्यता में ग्रहण कर रखा है वहां छोड़ना है। राग छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है, मोह छोड़ना है, ममत्व बुद्धि छोड़नी है। जिसने ये अंदर से सब कुछ छोड़ दिया, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, वो भगवान है हमारे। राग द्वेष काम आदिक को जिसने जीत लिया हो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे, किस लिए? हाँ, वंदे तद्गुण लब्धये, वैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए इसके लिए मैं हे जिनेन्द्र देव आपको वंदन करता हूं। भगवान नहीं करते भैया भला, भगवान भला भी नहीं करते, भगवान बुरा भी नहीं करते, यही तो यूनिक विशेषता है। छोड़ा क्यों था ये बताओ? यदि उन्होंने सब कुछ छोड़ा है तो इसका मतलब इसमें सुख नहीं था। यदि त्याग प्रधानी जैन धर्म है तो भगवान कैसे हो सकते हैं, ग्रहण कैसे कर सकते हैं? मैं तो कभी कभी, हमारे तो सब मिलते हैं ना, सबके बीच में बैठते हैं, दिगंबर श्वेतंबर सब, जब अमेरिका में तो सब कॉमन ही है बहुत सारे, तो मंदिर दिगंबर श्वेतंबर सब मंदिर कॉमन है वहां, तो सब वहां जब प्रवचन होते हैं तो सब लोग आते हैं, सब बैठते हैं, तो जो श्रृंगार की हुई प्रतिमाएं भी होती है, एक वेदी पर इधर प्रतिमा है दिगंबर प्रतिमा है, इधर बगल में दूसरी वेदी पर प्रतिमाएं हैं श्वेतंबर प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के ऊपर वो सब लगाते हैं। और हमने एक प्रश्न किया उनसे, भाई साहब बुरा मत मानना, एक बात का जवाब दो, आपके जो साधु हैं यदि हम उनको गोल्ड की चेन दें तो वो ले लेंगे कि नहीं? ले लेंगे, आपको पता है क्या कुछ है श्वेतंबर की? ले लेंगे क्या? नहीं। ले लेंगे? नहीं लेंगे पक्का? गोल्ड की चेन नहीं ले सकते? तो और यदि उनको कोई ऑर्नामेंट्स और कुछ देवे तो वो ले लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि परिग्रह है, परिग्रह 14 उपकरण गए आपके यहाँ, उनके अलावा नहीं लेते, इसके अलावा नहीं रखते। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप ये कह रहे हो कि ये परिग्रह है, यदि मुनि अवस्था में यदि वे गोल्ड नहीं रख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो हमारा आपसे ये पूछना है कि जो भगवान बने हैं वो मुनि के बाद में बने हैं ना, क्या उस अवस्था में गोल्ड कैसे ले सकते हैं? वो उस अवस्था में गोल्ड कैसे आ जाएगा, फिर गले में चैन कैसे आ जाएगी? जब मुनि अवस्था में ही आप उसे परिग्रह मान रहे हो और उसके त्याग की बात कर रहे हो, तो भगवान बनने के बाद में वो चीज कैसे हो सकती है? हमारे भगवान अपरिग्रही होते हैं, परिग्रह के त्यागी होते हैं, और वो संदेश भी यही देते हैं, परिग्रह के त्याग का संदेश भी यही है। जगत के जीवों को भी यही संदेश है, यहां भी यही कह रहे हैं भाई साहब, पुण्य और पाप कर्म का जो उदय है ये भगवान नहीं देते हैं, ये आपके हाथ में है। पुण्य बंधन भी हमारे हाथ में है, पाप बंधन भी हमारे हाथ में है, सब भावों का खेल है, सब परिणामों का खेल है। परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से, यह जान कर हे भव्य जन परिणाम को पहचानिए, योगसार की गाथा है, योगेंद्र देव कहते हैं योगसार में। पुण्य से हो स्वर्ग नरक निवास होवे, पाप से पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। क्या ये परिणाम? यदि अच्छी क्रियाओं की तरफ लगेंगे तो पुण्य बनेगा, ये परिणाम यदि खोटी क्रियाओं की तरफ लगेंगे तो पाप बनेगा, और यदि ये परिणाम अच्छी और खोटी क्रियाओं से हटकर अपने स्वभाव की तरफ लगेंगे तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा। इसलिए यदि हम वास्तव में मुक्ति का मार्ग अपने जीवन में प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पाप और पुण्य दोनों से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव पर ले जाना पड़ेगा।
ये तो कर्म सिद्धांत की चर्चा चल रही है, इसलिए अभी तो हम चर्चा ऐसी करने वाले हैं अभी आपके सामने। कल जो आगे और चर्चा जब बढ़ेगी तो ऐसी चर्चाएं आएगी इसमें कि ये परिस्थितियां आखिर कौन कौन से कर्म पर कौन कौन सी परिस्थितियां डिपेंड करती है। हमें यदि परिस्थिति ऐसी बदलनी है तो कौन से कर्म में परिवर्तन करना पड़ेगा, और कौन से कर्म में परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन किस तरह के भावों से परिवर्तन होगा, ये चर्चा यहां चलने वाली है। और जब ये चर्चा चलेगी तो निश्चित रूप से आनंद आएगा, हमें बेसिकली पता लगेगा कि हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए। ये कर्म की चर्चा कर्म में उलझने के लिए नहीं है, ये कर्म की चर्चा कर्म से दृष्टि हटाकर स्वभाव सम्मुख आने के लिए है। सच में तो हमारी दृष्टि समस्त कर्म और संयोगों से हटकर स्वभाव सम्मुख हो जाए, इसी भावना से हम बात को यहीं विराम देते हैं।